अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। इस नंबर को ट्रेस करो, पता करो ये कहां का नंबर है। यस सर। क्या हुआ था, किसका फोन था? पता नहीं सर, किसी के मर्डर की बात कर रहा था वो। दो लाशें हाईवे पे, गाड़ी से टकराया और फिर अचानक फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हेलो, श्रेया बोल रही हूँ। सीआईडी ब्यूरो में अभी जस्ट मोबाइल नंबर से फोन आया, उसका लोकेशन ट्रेस करके बताओ। नाम बताया उसने? नहीं सर, नाम तो सुनाई नहीं दिया। जगह कौन सी थी, कौन सा है वो भी कुछ पता नहीं चला। ओके सर, सर वो कॉल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के पास वाले हाईवे से आया था। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। चलिए आइए, थोड़ा पीछे जाइए, आइए चलिए, आप भी थोड़ा पीछे जाइए। किसी ने देखा फोन करते हुए इनको? पहचानते हैं इनमें से किसी को? हाँ सर, ये फॉरेस्ट गार्ड मेवाराम। मेवाराम फॉरेस्ट गार्ड? ये बेचारा मरते वक्त पानी मांगने के लिए भी आवाज नहीं निकाल पाया होगा। एक बुरी तरह गला काटा है इसका। ये क्या चक्कर है? रेन कोट के अंदर ये लेदर की जैकेट पहनी हुई है। सर एक बात समझ में नहीं, मेवाराम इतनी रात में जंगल के बीचों बीच क्या कर रहा होगा? और एक बात नोटिस की, पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई है, जूतों पे, पैंट पे, जैकेट के ऊपर। ऐसा लगता है ये मिट्टी में गिरा है, शायद गिरते पड़ते भाग रहा होगा। तो हो सकता है कोई इसका पीछा कर रहा हो और ये भागते भागते यहाँ पर आया और गाड़ी से टकरा गया। ऐसा लगता नहीं है रजत, ये देखो इसके घुटनों पे कहीं पे भी खरोंच का निशान नहीं है, कपड़ा इंटैक्ट है, गाड़ी पे भी कोई निशान नहीं है। और अगर ये गाड़ी से टकराता तो इम्पैक्ट की वजह से काफी दूर गिरता, ये बिल्कुल पास में गिरा है।
गाड़ी से नहीं टकराया? इसका गला भी काटा गया? सर जरूर सब कुछ अचानक हुआ, क्योंकि ड्राइवर को गाड़ी की हेडलाइट्स और वाइपर ऑफ करने का भी मौका नहीं मिला। तरुण कुमार, मशहूर एक्टर डायरेक्टर। हाँ, क्या होट मिले पड़ा? नाखून भी नहीं है, इसकी बॉडी में जहर है। लोगों को गला काट के मार दिया और फिर इस तरुण कुमार को जहर दे दिया। मेरी जहर आया कहां से? ये दो छोटी छोटी मछलियां लेके कहां जा रहा था? सर, सर ये मोबाइल मिला उधर, इसी से फोन आया था मैं। क्या इससे काफी कुछ पता चल जाएगा। काम करो, लाशों को फोरेंसिक लैब भिजवा दो। यस सर। अच्छा, तब तक हम लोग जंगल के अंदर चल के देखते हैं, पता करते हैं ये मेवा राम कहां से आया था। अरे सुनो। हाँ सर। जरा अंदर चल के रास्ता दिखाओ। हाँ सर, चलिए। सर फोन। इसका मतलब ये मेवाराम इस तरफ से ही आया होगा। देखो, मैं कर देखता हूँ। साहब, मुझे छोड़ दो साहब। छोड़ दो? पीछा क्यों करे हमारा? साहब, साहब, मैं तो आपके साथ आना चाह रहा हूँ साहब, मगर आपने मुझे अपने साथ ले लिया, उन दोनों को अपने साथ ले लिया साहब। साहब, अब इसीलिए मैं छुप छुप के आपके साथ आ रहा हूँ साहब। चुपचाप वापस चला जा, समझा? जंगल है ये। भागो यहाँ से, भागो। अरे, इतना सारा इसका मतलब मेवाराम पे यहीं पे अटैक हुआ है। चलो आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। कप्तान, और ये घड़ी मिली है, घड़ी काफी महंगी होगी सर, ब्रांडेड है। जूता? ये मेवाराम के तो दोनों पैरों में जूता था ना? यस सर। कहीं ये जूता खोने का तो नहीं? आज सीआईडी को हमारी कैसे याद आया? कल रात आपकी टेरिटरी में खून हुआ है, उस सिलसिले में कुछ इंक्वायरी करनी थी। तो उसके लिए हमें बुला लिया होता। आपने क्यों तकलीफ ली? बस ले ली। आप जरा सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलवाइए। जी जी, आइए सर। कई ऑफिसर, कैसे आना हुआ? मिस्टर शेखर, कल रात आपकी फॉरेस्ट टेरिटरी में
एक खून हुआ है। हाँ मैंने भी सुना है, बहुत बुरा हुआ। तरुण कुमार और उनके भाई पिछले 2-3 दिनों से हमारे फॉरेस्ट बंगलों में ही ठहरे हुए थे, पर मैंने सुना एक्सीडेंट तो हाईवे पे हुआ है। एक्सीडेंट तो हाईवे पे ही हुआ है, लेकिन हमें शक है कि तरुण कुमार जी की कार से जो आदमी टकराया है उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। मैं समझा नहीं। एक्सीडेंट होने से पहले ही उस पर जंगल में ही किसी ने हमला किया था। अब आप जानते ही से। हाँ ये मेवाराम है, हमारा फॉरेस्ट गार्ड है। नहीं था, कल रात को इसका भी खून हो गया। मेवाराम को किसने मारा और क्यों, ये तो हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा मिस्टर शेखर, इस बारे में आप कुछ जानते हैं? मेवाराम के साथ मेरा कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन तो था नहीं। ड्यूटी के मामले में जहां तक सवाल है, वो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा था, और उसके बारे में बाकी बातें तो आपको अजीत ही अच्छी तरह से बता सकता है। सर मेवाराम हमारा सबसे कामचोर गार्ड था, और साथ ही बहुत ही झगड़ालू किस्म का आदमी था, शराबी भी था, कई बार तो नशे की हालत में वो ड्यूटी पर आ जाता था, और तो रोज किसी न किसी से झगड़ा करके नए नए तमाशे खड़ा करता था। इस मेवाराम का एड्रेस दीजिए। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूछताछ के लिए दोबारा आएंगे। ऑफ कोर्स सर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या बात है, आज आप फिर आ गए साहब? आज फिर से नदी के किनारे मछलियां मरी हुई मिली। आज फिर से मछलियां मर गई सर? समझ में नहीं आ रहा कि मछलियां किस बीमारी से मर रही है। अच्छा, ऐसा क्या अक्सर होता है? हाँ साहब, बारिश के बाद अक्सर ही ऐसा होता है। किसी ने वाटर बॉम्ब तो नहीं लगाया? नहीं सर, यहाँ कौन वाटर बॉम्ब लगाएगा? साहब हम इन मछलियों को खाते हैं, पिछली बार बहुत सारे लोग इन्हें खाने से बीमार पड़ गए थे। अच्छा, मछलियों में कोई बीमारी फैली हुई है क्या? पता नहीं सर। रेडी, एक काम कर, इनमें से 2-4 मछलियां उठा लो सालों के साथ के लिए। माफ कीजिएगा, लेकिन तहकीकात करना जरूरी है। आपको कुछ पता है कि मेवाराम को किसी ने क्यों मारा होगा? नहीं सर। अच्छा, मेवाराम शराब पीकर झगड़ा करता था क्या? वो हमेशा से ऐसे नहीं थे साहब। हमेशा से ऐसा नहीं था मतलब? घर में पैसे की कमी के वजह से वो ऐसे हो गए थे। उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसकी वजह से पगार भी आधी हो गई थी। क्यों सस्पेंड किया गया था उसे? मेरे को नहीं पता साहब। अच्छा, ऑफिस से पता चला है कि वो ड्यूटी पर भी शराब पीता था, अपना काम ठीक से नहीं करता था क्या? वो शराब जरूर पीते थे साहब, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाए। कोई ऐसी बात जो पहले ना होती हो? वो पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? वो जो नए साहब आए हैं ना, वो उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे थे। क्यों मिलना चाहता था वो नए साहब? ये तो पता नहीं साहब, पिछले कुछ दिनों से वो कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। वो रोज लेदर की जैकेट पहनकर पता नहीं कहाँ जाया करते थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कुछ नहीं बताते। अच्छा, किसी पर शक है आपको? साहब गांव का ही रहने वाला एक आदमी है, उसी से किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था। कौन था वो आदमी और क्यों झगड़ा हुआ था मेवाराम का उसके साथ? पता नहीं साहब, उसी के शिकायत पे तो इनको सस्पेंड कर दिया गया था, और कल रात भी वो उसी के साथ गए थे। आपने देखा है उसे? हाँ साहब। स्केच आर्टिस्ट से उसका स्केच बनवाते हैं, आपको चलना होगा हमारे साथ। ये रहा फॉरेस्ट ऑफिसर्स का बंगलो। जी कहिए। हम लोग CID से तरुण की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करने आए। वैसे आप कौन? मैं सर तरुण का भाई समीर हूँ। आप तरुण के भाई हैं? जी। विनीत जरा घर की तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। वैसे आपको कब पता चला कि आपके भाई तरुण की मौत हो चुकी है? सर मुझे अभी अभी पता चला, वो फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया मुझे। अभी अभी? हाँ सर, कल रात तरुण की कुछ तबीयत खराब थी सर, वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा था सर, उसने अपना प्रोग्राम बदला और वापस चला गया सर। और आप साथ में नहीं गए सर? नहीं सर, मैं नहीं गया। बहुत दिनों के बाद बैंक की जॉब से छुट्टी मिली थी, छुट्टी एंजॉय कर रहा था सर। यहाँ पे तुम एंजॉय कर रहे हो और वहाँ पे तुम्हारा भाई मर गया जहर से। जहर? मगर सर उसने कल रात को कुछ खाया नहीं था। हो सकता है उसने शराब पी? नहीं सर,
तरुण पीता नहीं था। पीता नहीं था? अच्छा, आपको कुछ ऐसा याद है जो आपने देखा हो कल रात या सुना हो? कुछ भी अजीब सा? सर कुछ याद तो नहीं, लेकिन लेकिन सर कल रात को तरुण जंगल से लौटने के बाद अपने अपने जूलॉजिस्ट फ्रेंड के साथ कुछ मरी हुई मछलियों के बारे में बात कर रहा था। सर वो कल जंगल से कुछ मरी हुई मछलियाँ भी लेकर आया था। फिर मुझे कुछ पता नहीं, मैं नशे में था सर। तब वो शायद तो देखा कि उसका सारा सामान नहीं था। मुझे लगा सर कि वो अपना कैमरा लेकर जंगल फोटोग्राफी के लिए चला गया होगा। तो ये कैमरा मिला है यहाँ पर? कैमरा तो यहाँ पे। आप कह रहे थे कि आपका भाई तरुण कैमरा लेके फोटोग्राफी के लिए गया है? हाँ सर, वो उसके पास बहुत सारे कैमरे हैं सर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बहुत शौक है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तरुण कुमार को जहर दिया किसने और कैसे? इसका मॉडल नंबर है SB58327K। देखो क्या डिटेल पता चलती है। सर, इस मॉडल की घड़ी को 14 सितंबर 2009 को जबलपुर के किसी समय वॉच कंपनी से खरीदा गया था। समय वॉच कंपनी? फिर इसको फोन लगा? जी सर। हेलो, समय वॉच कंपनी? यस सर। जी, मैं सीआईडी मुंबई से सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। जी सर, बोलिए। देखिए, आपके यहाँ 14 सितंबर 2009 को एक घड़ी खरीदी गई थी। हमें पता करना है किसने खरीदी थी। मॉडल नंबर सर? नहीं, मॉडल नंबर दे रहा हूँ आपको। मॉडल नंबर है SB58327K। सर एक मिनट, मुझे पुराने रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। या SB58327K? या के। ओके सर। यस सर। सर इस वॉच को किसी मिस्टर संजय ने खरीदा था। संजय? यस सर। जरा उसका एड्रेस दीजिए। सर नोट कीजिए प्लीज। या एड्रेस है, बोलिए। 54 मथुरा निवास। 54 मथुरा निवास। SB मार्ग। नानी चौक। जबलपुर। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम सर। लगता है जबलपुर की टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी। हाँ भाई, क्या पता चला? सर ये घड़ी जबलपुर के किसी संजय ने खरीदी थी। जबलपुर के किसी संजय ने? रया, संजय का पता लगा। अब जी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तरुण कुमार की मौत हुई तो हुई कैसे है? किस जहर से? और फिर उसके शरीर पर जो खरोचे हैं उसका क्या? सर, तरुण कुमार का भाई कह रहा था कि तरुण कुमार की तबीयत जंगल से लौटते समय खराब हो गई थी। सर मतलब सर उसे पॉइजनिंग जंगल में ही हुई है। कोई स्नेक बाइट या फिर कोई जहरीला पौधा जिससे उसे खरोच लग गई? यही हुआ होगा अभिजीत, यही हुआ होगा। क्योंकि तरुण कुमार के जंगल वाले बंगले में जहां पर वो ठहरा था वहां से तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इसका मतलब है जो भी जहर है वही बाहर जंगल में ही है। इस हथियार ने परेशान कर रखा है। कौन सा हथियार है समझ में नहीं आ रहा है। सर आपको समझ में नहीं आ रहा है? कमाल की बात है, हमें तो लग रहा था कि ये केस आपके लिए एकदम सिंपल है। क्या सिंपल है? हा? क्या सिंपल क्या है? पता नहीं कहां कहां से कैसी कैसी लाशें उठा लाते हो यार तुम लोग। जरा देखो ये इसके गले पर ये जो घाव है, देखो रजत ये घाव देखो। सारों के साथ तो बहुत ही अजीब सा घाव है। एग्जैक्टली हथियार कौन सा इस्तेमाल किया होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ये देखो जरा घाव देखो, लगता है जैसे 3-4 धार वाले ब्लेड एक साथ एक ही लाइन में इस्तेमाल हुए। देखो मैं बताता हूं, अगर एक चाकू से खाल काटी जाती तो उसका घाव कुछ इस तरीके से बनता ये। जबकि इस मेवाराम के शरीर में जो घाव है
वो चमड़ी कुछ इस तरीके से कटी हुई है। एक बात और, इस मेवाराम के शरीर में से हमें प्लांट सेल्स भी मिले, वनस्पति के कुछ अंश। पर मैंने तो ऐसा हथियार अपनी जिंदगी में न कभी देखा है न कभी सुना है। कुछ और पता चला मेवाराम के बारे में? हाँ, इस मेवाराम के पेट में से हमें शराब मिली। तुम्हें किसने कहा शराब मिली? सर, गांव वालों का कहना था कि इस आदमी ने काफी शराब पी रखी। इस मेवाराम के पेट में से हमें कुछ नहीं मिला है, एकदम खाली। कुछ नहीं मिला मतलब? मतलब ये कि मरने से पहले इस आदमी ने 10 घंटे तक कुछ नहीं खाया, एकदम भूखा। अच्छा, ऐसा कौन सा काम कर रहा था जो पूरे 10 घंटे तक इसे कुछ भी खाने पीने की फुर्सत नहीं मिली? और सर, ये तरुण कुमार जिसे जहर दे के मारा गया, इसका कुछ पता चला? हाँ, इस तरुण कुमार के शरीर में जो जहर हमें मिला है वो जहर ना तो किसी जानवर का है और ना ही किसी जहरीले पौधे का। एक सिंथेटिक पॉइजन, कृत्रिम जहर, परीक होना। अच्छा, मतलब तरुण कुमार को जहर पिला के मारा गया? नहीं, ये जहर इसे पिला करके नहीं मारा गया, बल्कि ये जो इसके शरीर पर ये जो खरोचे हैं, ये जहर इन खरोचों के जरिए इसके शरीर में फैला है। दो अलग अलग तरीकों से मौत, और जगह एक, जंगल। सर, ये आदमी तो जंगल में मेरा पीछा कर रहा था सर। क्या तुमने देखा है इसे? हाँ सर, इसे दो बातें हुई हैं। इसको तो डांट के भगाया था मैंने जंगल से। ये आदमी इन्वॉल्व है मेवाराम के मर्डर में। अरे अच्छा, और इसके स्वागत की तैयारी करो। स्केच को देखिए, इसे पहचानते हैं आप? जी नहीं साहब, हम नहीं पहचानते। ठीक है। हेलो, कुछ पता चला? नहीं, लेकिन जब तक पता नहीं चलता हम यहाँ से नहीं लौटेंगे। सर, एक सजेशन है। क्या? क्यों ना आप अजीत को अपने साथ ले जाए, मदद होगी, क्योंकि इस गांव और जंगल के बारे में सब कुछ जानता है वो। अगर अजीत को कोई एतराज नहीं तो हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। ठीक है अजीत, ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। भाई साहब, ये स्केच देखिए, इसे पहचानते हैं आप? हाँ साहब जी, ये तो मोहन की फोटो है। मोहन? कहाँ मिलेगा ये मोहन? ये तो मालूम नहीं सर। रहता कहाँ? जी वो उधर। ये? जी। थैंक यू। मोहन घर पे है क्या? नहीं साहब। आप कौन है? मैं उसकी घर वाली। गया कहाँ है मोहन? साहब, यही सवाल तो मैं भी रोज पूछती है उससे जब वो घर वापस आता है कि कहाँ गया था तू। और वो कब लौटेगा ये भी नहीं बताया होगा, है ना? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया। बिल्कुल ही बात। छुटने न पाए हमारे हाथों से। एक मिनट, उसके दौड़ने की आवाज बंद हो गई है, जरूर यहीं कहीं छुपा है, नजदीक ही कहीं। काम करो, सब लोग फैल जाओ दोनों तरफ और ढूंढो उसे, छूटने न पाए।
जरिए मोहन इन गांव वालों के साथ मिला हुआ है। यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। वो गोली तो लगी है उसे। देखो जरा तो मर चुका है। इसके बाकी के साथी तो भाग गए। पुरी को क्या हो गया? कहीं से गोली तो नहीं लगी? नहीं सर। ये बेहोश क्यों हो गई? सर जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। मेरे को क्या मालूम था साहब कि ऐसा होगा। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अगर अपने पति को भाग जाने के लिए मदद नहीं करती तो शायद आज इस वक्त मोहन जिंदा होता। गलती हो गई साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलत काम तो मोहन करता था। क्या तुमने पूछा वो क्या काम करता है? हाँ, तुम्हें कुछ पता है? नहीं साहब, मुझे नहीं मालूम था कि वो क्या करता था। लेकिन अचानक आजकल उसके पास बहुत पैसा होता था और वो अपने पुराने काम पर भी नहीं जाता था। काश उसे पूछा होता कि वो क्या करता है। तुम और निखिल घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, कोना कोना छानना। ये क्या हुआ था? सर ये जूता छुपा के रखा हुआ था, उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। इस प्लांट के तेज पत्तों ने बिल्कुल ब्लेड की तरह काट दिया सर। ये खूनी का दूसरा जूता है, दूसरा जूता। रही बात वेमाराम के खून की, तो समझ लो कि हथियार भी पता चल गया। मियाराम के खून का हथियार भी पता चल गया। अब हथियारा हमसे दूर नहीं है। जी कहिए। सीआईडी मुंबई। प्लीज आई आई। जी कहिए। मैम हम लोग यहाँ पे एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। केस? कैसा केस? हमें क्राइम सीन पे एक ब्रांडेड घड़ी मिली है और हमें ये भी जानकारी मिली है कि ये घड़ी किसी संजय नाम के आदमी ने खरीदी थी। इसने अपना एड्रेस यहाँ का दिया है, आपके घर का। हाँ ऐसी घड़ी मेरे हस्बैंड संजय ने खरीदी तो थी। कहाँ है वो? क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? नहीं, उन्हें गुजरे हुए तो 2 साल हो गए हैं। क्या? तो फिर 2 साल बाद ये घड़ी मुंबई के किसी क्राइम सीन पे कैसे? संजय ने ये घड़ी खुद के लिए नहीं खरीदी थी। उनके साथ काम करने वाला उनका एक दोस्त था, उसको गिफ्ट देने के लिए घड़ी खरीदी थी। क्या आप जानती हैं उन्होंने ये घड़ी किसे गिफ्ट की थी? मुझे नहीं पता। संजय अक्सर अपने दोस्तों को और कोलीग्स को गिफ्ट दिया करते थे। ये घड़ी उन्होंने किसे दी मुझे नहीं पता। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। बस इस तरुण कुमार के शरीर में जो सिंथेटिक पॉइजन परिखोना मिला है, वही सिंथेटिक जहर उन मछलियों में भी है जो इस तरुण कुमार की कार में। और इतना ही नहीं, वही परिखोना जहर उन मछलियों में भी था जो गांव वाले फॉरेस्ट ऑफिसर शेखर के ऑफिस में लेकर के गए थे। ये जहर बहुत धीरे धीरे काम करता है और इसी जहर के कुछ ट्रेसेस पूर्वी के ब्लड सेल्स में भी थे।
जब वो बीमार हुए थे। परी खोना नदी के पानी में कैसे पहुंचा? यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो जहर पेड़ पौधों पर लगाया गया था, मारा गया था, बारिश के पानी की वजह से वो नदी के पानी में चला गया? पर सर ये जहर पौधों पे डालेगा कौन? पर कौन कर सकता है सर? सचिन जो भी कोई है ये नहीं चाहता कि कोई उस तक पहुंचे, और इसीलिए उसने पेड़ पौधों पर जहर लगाकर एक जहरीली सीमा बना दी, बाउंड्री, यू नो। और सर बारिश की वजह से पौधों पर लगा हुआ जहर बहकर कम हो गया, और इसी वजह से पूर्वी के ऊपर जहर का असर बहुत कम हुआ। हाँ, और ये सारा राज, इन पेड़ पौधों पर लगाए हुए जहर का राज, ये मेवाराम जानता था, मेवाराम। और इसीलिए जब भी वो जंगल में जाता था वो ये लेदर जैकेट पहन कर जाता था ताकि जहर का उस पर असर ना हो। जिसने भी ये जहर की सीमा बनाई है उस जंगल में पेड़ पौधों पर जहर लगाकर, उसने क्यों बनाई है? इतना बड़ा प्लान किस लिए? जहां पर मोहन के साथ मुठभेड़ हुई वहीं पे जाकर देखते हैं, वहीं पर चेक करते हैं। समझे? बात बता, ये जहर परी खोना, इस पर प्रतिविष होगा ना एंटीडोट? इस जहर का एंटीडोट है। यार ये आखिर कहाँ लेके आ गए तुम मुझे? क्योंकि जहाँ पर हमारी मोहन के साथ मुठभेड़ हुई थी वही लेकर जा रहा हूँ मैं तुझे, बस यहाँ पर है। इतनी देर से तुम यही कह रहे हो बस आने वाला है, पर आया तो नहीं कहीं मुझे। यार क्योंकि तेरे जैसा जवान आदमी रो रहा है। नहीं नहीं रो नहीं रहा, काम के वक्त रोता नहीं हुआ उसमें। ये देख, ये है वो जगह, ये देख सांग, यहाँ पर तुझे कुछ पॉइजन के ट्रेसेस मिलते हैं क्या? ये देखो बॉस। हाँ? ये देखो इस पत्ते ने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदला है। देखो तो यहां से शुरू होती है जहरीले पत्तों की सीमा, यहां से। अब आप लोग ज्यादा चौकन्ने रहना। वैसे तो सारुंखे अच्छा हुआ कि तूने एंटीडोट दिया इस जहर का। हाँ लेकिन फिर भी सावधानी रखना जरूरी है। ये देखो आगे देखते हैं। सड़के यहां पर देखते हैं। कितना सारा जहर है देखो। माय गॉड, इतना सारा जहर यहां पर। एक काम करते हैं, यहां आसपास अच्छी तरह से देखते हैं, कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा।
के अंदर क्या चल रहा है यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर चलते देखे सर। नहीं सचिव, बिना छानबीन के अंदर जाना गलत होगा। पता नहीं और कितने लोग हैं अंदर, और फिर कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं, पता तो लगना चाहिए। फिलहाल तो यहीं से नजर रखते हैं। अभी आदमी जब अंदर गया था तो इसके हाथ में कुछ था, और अब खाली हाथ लौटा है। इतने अंदर गया तो मिला किससे? इसके हाथ में तो खरगोश है। हाँ, आदमी के पास तो सांप है। बिल्कुल बॉस, आप खरगोश तो छोड़ो, ये तो शेर का बच्चा ले जा रहा है। सर ये तो बहुत ही दुर्लभ जानवर है। सर इस जानवर को अंदर ले आके क्या कर रहे होंगे लोग? सचिन, ये लोग जो भी कर रहे हैं ना कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, नहीं तो छुप छुपा कर ऐसा नहीं करते। सामने से चलकर देखते हैं। देखो जल्दी, कोई ना कोई है। क्या हुआ? क्या क्या बच्चो? गल्ला जल्दी चल। चलो काम हो गया तुम्हारा, चलो। यहाँ तो एक छोटी सी लेबोरेटरी खड़ी कर दी है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे बॉस। ये देखो, ये सांप का जहर निकाल कर सांप को मार दिया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये देखो, फिर जंतु का एरिया भी बना रखा है। ये देखिए सर, शेर का बच्चा मरा पड़ा है। माय गॉड, यार कैसे लोग हैं ये? सर लगता है ये लोग इन जानवरों के उपयोगी अंगों की स्मगलिंग कर रहे थे, और उनके बॉडी पार्ट्स को ड्रग्स और कॉस्मेटिक के लिए बेचा जा रहा था। और इसीलिए इतनी दरिंदगी से मार रहे इन बेचारे जानवरों को ये लोग। और सर जंगल से अच्छी जगह क्या हो सकती है सब करने के लिए? वो तीन लोग कहाँ हैं? बाहर।
किसका काम है ये? लेबोरेटरी किसकी है? कौन है तुम्हारा बॉस जिसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? कौन है जल्दी बताओ। हमें नहीं पता क्यों कौन है साहब। साहब हमने उसे चेहरा कभी नहीं देखा है साहब। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। साहब मैं सच बोलता हूँ साहब। वो जब भी आता है उसका चेहरा हमेशा रूमाल से ढका हुआ होता है साहब। बस वो हमारे काम का पैसा देकर चला जाता है साहब। तुम्हें मालूम नहीं वो कौन? तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। बड़ी बात कि जो भी कोई है उसका ये गंदा काम तो सामने आ ही गया। अब उसका शुभ नाम भी सामने आएगा। सर ये रही सर्विस रिकॉर्ड फाइल। है क्या बहुत सी फाइल? अरे अजीत और शेखर दो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनकी सर्विस रिकॉर्ड से। सर्विस रिकॉर्ड है? हाँ। तुझे याद है वो एक खूबसूरत घड़ी जो हमें क्राइम सीन पर मिली थी? हाँ तो? बस वो जबलपुर में किसी संजय नाम के आदमी ने खरीदी थी और उसने वो अपने दोस्त को दी। वो दोस्त एक फॉरेस्ट ऑफिसर था जबलपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। बस अभी ये पता लगाना है ये दोस्त ये फॉरेस्ट ऑफिसर जो उस वक्त जबलपुर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में था वो इस वक्त कहाँ है। तो फिर कुछ पता लगा किसका नाम आया सामने? खुद ही देख ले। अजय तुम्हारे घड़ी में अब कितने बजे? जी मुझे घड़ी पहनने की आदत नहीं है। मगर झूठ बोलने की आदत है। झूठ बोलने की है ना? ये निशान कैसा तुम्हारे कलाई पर? घड़ी पहनने का ही निशान है ना? कहाँ है तुम्हारी घड़ी? कहाँ है वो? क्यों नहीं पहनी? कौन सी घड़ी सर? कौन सी घड़ी पूछ रहा? कौन सी घड़ी? वही घड़ी जो संजय ने तुम्हें गिफ्ट में दी थी जब तुम जबलपुर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे। कहाँ है वो घड़ी? कहाँ है वो घड़ी? क्यों नहीं पहनी तुम? बताओ क्यों नहीं पहनी? मैं बताऊं? इसलिए नहीं पहनी क्योंकि वो घड़ी हमारे पास। हमारे पास सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हत्या मैंने की है। चुप। एनकाउंटर में जब सीआईडी ऑफिसर को खरोंचा पहुंची तब तुम्हें भी खरोंचा ही। जहर का असर उसके ऊपर हुआ मगर तुम्हारे ऊपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर? क्यों नहीं हुआ सर? लेकिन सर मुझे तो इसलिए सर मैं बताता हूँ तुम पर असर क्यों नहीं हुआ। क्योंकि तुमने उस वक्त उस जहर का एंटीडोट लिया हुआ था। सुना क्या कहा डॉक्टर साहब? तुमने एंटीडोट लिया था जहर का क्योंकि तुम उस जहर के बारे में जानते थे जो उन पौधों पर लगाया हुआ था। बताओ अजीत बताओ जल्दी। के सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे अजीत जी। सर मैं यहाँ पिछले 2 सालों से पोस्टेड हूँ। मैं जंगल के पत्ते पत्ते से वाकिफ था और मैं ये भी जानता था कि घने जंगल होने के कारण कोई भी फॉरेस्ट गार्ड या टूरिस्ट अंदर तक नहीं जाता। मैंने इसी बात का फायदा उठाया। किस तरह का फायदा? घने जंगल के उस लैब में मैं कुछ पैसे देकर गरीब गांव वालों से छोटे जंगली जानवर पकड़वाता था और मैं उन्हें कॉस्मेटिक्स और ड्रग्स के लिए भिजवाता था। और इसीलिए तुमने उस तंबू के आसपास जहां पर तुम्हारी लेबोरेटरी तुमने खड़ी की थी वहां के आसपास पेड़ पौधों पर वो जहर लगा दिया ताकि अंदर तक कोई ना पहुंचे, है ना? जी सर। बेचारा तरुण कुमार उस जहर से मारा गया और मेवाराम को इस बात का पता चल गया था इसलिए तुमने उसे भी मार दिया। जी सर। उसे मुझ पर शक हो गया था इसलिए मैंने सबसे पहले फोन की मदद लेकर उसके खिलाफ एक झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई और उसे सस्पेंड कर दिया। वो फिर भी नहीं माना तो मैंने उसे शॉर्ट क्लास से घायल कर दिया और मुझसे बचने के लिए हाईवे पर भागा तो तरुण कुमार की कार से टकरा गया। उसके ड्राइवर ने मुझे देख लिया ले मैंने उसे भी मार दिया। सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि इन सारे क्राइम्स के पीछे हमारे अपने ही डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था। जंगल में तो आपने बहुत से सांप देखे होंगे
लेकिन ऐसा जहरीला सांप आप ही के अस्तित्व में पल रहा था ये आपको पता नहीं चला। बेजुबान जानवरों की हत्या करवाई तुमने, निष्पाप लोगों के खून किए, कानून तो तुम्हें फांसी ही देगा।